everyone and welcome to my channel Gurpreet's World. Today I'm making a video on the Mom's Company face wash. Now this is the face wash which is made up of vitamin C, B3, B5 and hyaluronic acid. So it's written over here, it gently cleanses and hydrates. So it does exactly that what it's written over here. Gently cleanses and hydrates. So जब भी मैं ये फेस वॉश से मुंह धोती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन. एंड ये हाइड्रेट करता है तो ऐसा लगता नहीं है कि फेस वॉश ने पूरा आपका ऑयल निकाल दिया है या बहुत ही फेस को बहुत ड्राई कर दिया है. एकदम सूथिंग सा प्लेन प्लेन सॉफ्ट सॉफ्ट मॉइस्चर्ड फेस लगता है. तो जो मेरे पहले की फेस वॉशेस थे जो मैं यूज़ करती थी वो हमेशा मुझे ड्राई आउट छोड़ देते थे. तो वो इतना मेरे फेस से ऑयल खींच लेते थे कि मैं पूरा मेरा स्किन एकदम ड्राई फील होता था. बट ये फेस वॉश ऐसा नहीं करता. ये फेस वॉश साफ करने के साथ साथ उसको हाइड्रेट भी करता है. इसका फोम इतना नहीं आता. अब हमें लगता है कि फोम नहीं आता तो वो साफ नहीं करता होगा, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू. ऐसे फेस वॉशेस हैं जिसका जो मैंने पहले यूज़ किया जिसका फोम नहीं आता था, बट वो मेरे फेस को साफ भी नहीं करते थे. तो मैं भी सोचती थी ऐसा कि जो जिसका फोम नहीं आता है वो अच्छे फेस वॉश नहीं होते. लेकिन जब मैंने ये ट्राई किया मेरा एकदम से राय चेंज हो गई है इसके बारे में. ये ऐसा फेस वॉश है जिसका फोम नहीं आता, इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी पूरा फेस को ये क्लीन करता है. और जैसे ही मैं धोती हूँ मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और हाइड्रेटेड लगता है फेस एकदम. और जितना आपका फेस हाइड्रेट होगा ना उतना आपका फेस थोड़ा सा हेल्दी दिखेगा, थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा, थोड़ा सा शाइन दिखेगा, थोड़ा सा स्किन हेल्दी दिखेगा. अगर ऐसा फेस वॉश हो जो हाइड्रेट ना करे, सारा ऑयल निकाल ले फेस से और आपको ड्राई आउट कर दे, तो फिर स्किन बहुत बेजान लगती है, डैमेज लगती है और अच्छी नहीं दिखती. सो ये जो फेस वॉश है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है. सो ये जो फेस वॉश है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, बट इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ड्राई स्किन एंड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन. सो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो मेरे लिए ये तो ब्लेसिंग ही था. और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है मैं एक बार बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या हेल्प करता है. वो जैसे इसमें विटामिन सी है, दैट इज़ नोन टू इम्प्रूव हाइड्रेशन, रिड्यूस पिगमेंटेशन एंड शील्ड स्किन फ्रॉम पॉल्यूशन. सेकेंड इज विटामिन B3 फॉर इट्स एबिलिटी टू इम्प्रूव अनइवन स्किन टोन एंड फाइन लाइन्स. थर्ड इज विच हेजल एक्सट्रैक्ट फॉर इट्स एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी मेकिंग इट ग्रेट फॉर ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन. और जैसे मैंने बताया इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स. सो ऑयली स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बट इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मोर ड्राई स्किन एंड दी कॉम्बिनेशन स्किन. एंड दी लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट हाइलोरॉनिक एसिड, यही है जो मॉइस्चर करता है स्किन को. नाउ फॉर इट्स एबिलिटी टू रिप्लेनिश लॉस्ट मॉइस्चर, जो मॉइस्चर चला गया है उसे वापस वो रिप्लेनिश कर देता है. सो इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबेंस नहीं है, SLS नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकॉन नहीं है. इट्स ऑल केमिकल फ्री फेस वॉश. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.